हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप आपके घरों में सही और सुरक्षित हैं। तो आपका यूकेजी कक्षा में स्वागत है। आज का विषय है हिंदी। चैप्टर 3, चैप्टर का नाम है वर्णमाला। चैप्टर का नाम क्या है? वर्णमाला। सेशन आर, और सेशन का नाम है चित्रों में रंग भरिए। आपका मन चित्रों में रंग भरिए, मीन्स कलर द पिक्चर। तो बच्चों, पिछले कुछ सेशन में हमने क्या पढ़ा था? स्वर। कितने स्वर पढ़े थे? तो 7 स्वर हमने पढ़े थे। और हमें कितने स्वर पढ़ने बाकी है? 6 स्वर पढ़ने बाकी है। तो हमने कौन कौन से स्वर पढ़े थे? पहला था अ, दूसरा आ, तीसरा ई, चौथा ई, पांचवा ऊ, छठा ऊ और सातवा री। यहां तक हमने स्वर पढ़े हैं। उसके आगे भी हमें कुछ स्वर पढ़ने हैं, पर उसके पहले हम चित्रों में रंग भरिए ये सीखने जा रहे हैं। तो चित्रों में रंग भरने से पहले हमें एक अभ्यास दिया गया है, वह अभ्यास हमें करना है। तो उसका ही पहला सवाल है, चित्र लेकर उसके पहले वर्ण से रेखा खींचकर मिलाइए। मतलब क्या है? कुछ चित्र वहां पर दिए गए हैं और वो शुरुआत होने वाले वर्ण से रेखा खींचकर हमें उसे मिलाना है। तो इसके लिए आपको आपकी हिंदी की रंगोली पाठ्य पुस्तिका लेनी है और उसका पन्ना नंबर 2020 खोलना है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको अभ्यास लिखा हुआ दिख रहा है। तो हमारा पहला अभ्यास क्या है? चित्र देखकर उसके पहले वर्ण से रेखा खींचकर मिलाइए। मतलब क्या? लुक एट द पिक्चर्स एंड मैच देम विद देयर फर्स्ट लेटर। मतलब पहले हमको ये सारे चित्रों को ध्यान से देखना है और उसके बाद उनको स्टार्ट होने वाले उनके पहले वर्ण से रेखा खींचकर मिलाना है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि ये तो उल्लू है। तो उल्लू का पहला वर्ण क्या है? ऊ। तो ऊ से उल्लू, यहाँ पर तो पहले से ही मैच किया हुआ है। तो हमें भी कुछ इस तरह से मैच करना है। तो देखो, ये चित्र किसका है? हाँ, आम का। तो आम का पहला वर्ण क्या है? आ। तो हमें आ को आम से कुछ इस तरह से रेखा खींचकर मिलाना है। फिर ये क्या है बताओ बच्चों? ये क्या है? ई से ई। तो कौन सा ई? ये वाला ई या ये वाला ई? कौन सा ई बताओ बच्चों? ये वाला ई। तो हमें इस ई को यहाँ तक रेखा खींचकर मिलाना है, ई से ई। और ये क्या है? इमली। तो अब ये ई, ई को मिलाना है ई से इमली। और ये क्या है? ऊन। ऊ से ऊन। कुछ इस तरह से आपको भी आपकी किताब में करना है। अब देखो, दूसरा सवाल क्या है? वर्ण पहचान कर सही वर्ण पर घेरा लगाइए। फाइंड एंड सर्कल द राइट लेटर। तो देखो, यहाँ पर ई दिया हुआ है और यहाँ पे कुछ वर्ण दिए गए हैं। जो पहला दिया हुआ है वर्ण, वो वर्ण हमें इस लकीरों में ढूंढना है और उसे क्या करना है? घेरा लगाना है। तो देखो, कौन सा वर्ण है यह? ऊ। तो यह ऊ कहाँ पर है? ये क्या है? अ। ये ऊ और ये ऊ। तो सही वर्ण कौन सा है? ये। तो हमें यहाँ पे क्या करना है? घेरा लगाना है। ये क्या है? आ। तो देखो, यहाँ पर आ कहाँ है? यहाँ पर। तो कुछ इस तरह से हमें घेरा लगाना है। फिर ये कौन सा वर्ण है? अ। तो देखो, अ कहाँ पर है? ये अ है। ये अ है? नहीं। तो अ कहाँ है? यहाँ।
तो कुछ इस तरह से हमें घेरा लगाना है। अब आप देख सकते हो आपका पन्ना नंबर 21 यहाँ पे दिया गया है, चित्रों में रंग भरिए, कलर द पिक्चर विथ कलर्स शोन इन द व्हाइट स्पेस। मतलब क्या करना है, ये जो सफेद सफेद जगह हमें दिखाई दे रही है वहां पे हमें कलर करना है। तो कौन से कलर करना है, उसका सैंपल मतलब उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। तो बच्चों बताओ ये कलर कौन सा है, आसमानी। आसमानी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्काई ब्लू। तो हमें ये स्काई ब्लू कलर यहाँ पे करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस कलर से अच्छी तरह से बॉर्डर कर लेंगे, मतलब उसके किनारों से अच्छी तरह से कलर कर लेंगे कुछ इस तरह, और फिर हम अंदर कलर भर देंगे। कुछ इस तरह। अब बच्चों बताओ ये क्या है, ये है सूरज, और सूरज का रंग कौन सा होता है, पीला। पीला याने येलो। तो हमें ये येलो कलर इस सूरज को देना है। कुछ इस तरह से। अब बच्चों बताओ ये क्या है, एक पेड़ है, और पेड़ का कलर कौन सा होता है, हरा। तो हमें यहाँ पर हरा रंग भरना है। हरा यानी कौन सा कलर, इंग्लिश में इसको कौन सा कलर कहते हैं, कौन सा रंग कहते हैं, ग्रीन, करेक्ट ना। तो आपको भी आपकी किताब में ये पन्ना नंबर 21 अच्छे से कलर करना है, और दिए गए कलर का ही इस्तेमाल करना है। कुछ इस तरह से ये हमारा पेड़ तैयार हो गया। अब ये क्या है, ये एक फूल है, और इसका रंग है गुलाबी। तो हमें यहाँ पे गुलाबी रंग भरना है। कुछ इस तरह। और बच्चों बताओ ये कौन सा फल है, कौन सा फल है, सेब है। सेब को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एप्पल। और एप्पल का रंग कौन सा होता है, रेड यानी लाल। तो हमें यहाँ पर लाल रंग भरना है। तो बच्चों कुछ इस तरह से आपको आपकी किताब में करना है। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। धन्यवाद।